नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर हिंसा में पाए गए 36 आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद किया रोड शो। पंडरिया में किसान हुआ उठाएगिरी का शिकार। सदगुरु कबीर प्रकट उत्सव सद्भावना यात्रा पहुंची ग्राम नेवनारा, किसान नेता सहित कबीर पंथियों ने किया स्वागत। चंदनू के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर के पास लगाई गुहार। कानपुर में हिंसा के बाद अब शांति है, योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए अब तक 36 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसमें 3 पर FIR दर्ज की गई है। कानपुर कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस ने सुबह फ्लैग मार्च किया है, साथ ही मौलवियों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। वही माना जा रहा है कि यहां भी दोषियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। वही समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले में भाजपा को दोषी ठहराया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक जीत थी, क्योंकि वो भाजपा की भारी जीत के बावजूद इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में हार गए थे। कृषि केंद्र में बोरा खरीदी करने के लिए गए किसान की गाड़ी की डिक्की से 2 संदिग्ध लोगों ने 1,75,000 रुपए पार कर दिए, जिनकी नाकेबंदी कर तलाश की जा रही है। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम रूसे में रहने वाले किसान सुखदेव चंद्रवंशी ने स्टेट बैंक पंडरिया से अपने खाते से 1,75,000 निकाले, जिसके बाद वो सामान खरीदने के लिए कृषि केंद्र में गए। पैसा उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा था। मौका पाते ही 2 संदिग्धों ने डिक्की में रखे रुपए उड़ा लिए। दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। हालांकि आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। कबीर प्रकट उत्सव के खास मौके पर बेमेतरा के कबीर कुटी में कबीर पंथियों ने सद्भावना संदेश यात्रा निकाली, जो बेमेतरा जिले के साथ साथ दुर्ग जिले में भी निकाली गई। इसी के तहत सद्भावना संदेश यात्रा बेरला ब्लॉक के नेवनारा गांव पहुंची, जहां पर किसान नेता योगेश तिवारी सहित गांव के कबीर पंथियों ने यात्रा का स्वागत किया। पूरे गांव में भ्रमण करते हुए कबीर के संदेशों को लोगों को बताते हुए यात्रा निकाली गई। सद्भावना संदेश यात्रा के प्रमुख महंत लीलाधर साहिब ने बताया कि कबीर साहिब के सद्भावना यात्रा से लोगों को कबीर पंथ व संत समाज के बारे में जानकारी दी जा रही है, और कबीर पंथ के सद्गुरु के संदेश को भी लोगों को सुनाया जा रहा है। कबीर सद्भावना संदेश यात्रा आज हमारे गांव में पहुंचा हुआ है। हम सब लोग उसको मिलकर स्वागत किए हैं। बड़ा सौभाग्य विषय है कि हमारे गांव में आज कबीर साहब का संदेश लेकर साहेब लोग आए हुए हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम बना रहे। तो साहेब बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत चंदनू के ग्रामीणों को हो रही बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके गांव में बिजली की समस्या हो रही है। दरअसल गांव में लगे बिजली के केबल पूरी तरह से जल गए हैं, इसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या हो रही है। इसके अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अधिकारियों ने अब तक बिजली का सुधार नहीं किया है। इसी बात से सरपंच सहित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से बिजली की समस्या को लेकर गुहार लगाई। उनका कहना है कि बिजली की समस्या के चलते उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी पीने के पानी को लेकर हो रही है, और तालाब भी सूख चुके हैं, जिसके चलते मवेशियों को भी पीने के पानी की समस्या हो रही है। इसलिए बिजली को तत्काल अगर सुधार दिया जाता है तो इस समस्या का हल निकल जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।